मैं क्षमा चाहता हूँ, वीडियो लेट आई है हमारी, उसमें थोड़ी प्रॉब्लम थी, टाइम से नहीं मिल पा रहा था। हमारे फादर इन लॉ की डेथ हो गई थी इसीलिए वीडियो आने में देरी हो गई थी, मगर इंशाल्लाह आगे वो रेगुलर वीडियो आती रहेंगी। बहुत भाई परेशान हो रहे थे, मेरे पास बहुत मैसेज कॉल आ रहे थे कि भाई कबूतर ठंड बनने। मैं भाइयों से माफी चाहता हूँ, वीडियो आने में देरी तो हुई है मगर थोड़ी सी मजबूरी थी भाई, उसके लिए मैं माफी चाहता हूँ। अब इंशाल्लाह ऐसा नहीं होगा, आगे को रेगुलर वीडियो आती रहेंगी, ठीक है ना। तो भाइयों, वीडियो स्टार्ट करने से पहले जो भाई हमारे चैनल पे नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ में बेल आइकन भी ऑन कर लें, ताकि हमारे हर आने वाली वीडियो आपके पास तक पहुंचती रहे। तो भाइयों, मैं पानी के बारे में बताता हूँ, वीडियो स्टार्ट करते हैं बिना देरी करें। भाइयों, आपको करना क्या है, सबसे पहले देखिए अपने कबूतर की एक तो साफ सफाई रखनी है लॉक के अंदर अपना। बहुत भाई कहते हैं कि जी बीट साफ मत करो ठंड में, ऐसा कुछ नहीं है। बीट रखोगे तो कबूतर भूखे होते हैं, बीट खाना शुरू कर देते हैं और बीमारियां बनने शुरू हो जाती है कबूतरों के अंदर। तो उससे पहले आपको क्या करना है, अपने लॉक की साफ सफाई रखिए ताकि कबूतर बीट वगैरह कोई गंदा दाना ना खाए, और अपने कबूतरों के जो ठंड मानने हैं, जिन भाइयों के कबूतर फिलहाल में ठंड मान के बैठे हैं ना, वो एक काम करेंगे, ईवीओन का कैप्सूल आता है, ठीक है, ईवीओन 400 में ले लीजिए चाहे 200 में ले लीजिए। 200 में रेड कलर का आएगा, 400 में हरे कलर का आएगा, ग्रीन कलर का, ठीक है भाई। एक कैप्सूल दे दीजिए पानी में ऐसे भिगो के और कबूतर को खिला दीजिए, उसके ऊपर से 5 ml पानी दे देना, शाम के टाइम देना है कबूतर चुगाने के बाद, ठीक भाई। और जो कबूतर आपके सही हैं उनके लिए भी, और जो ठंड में बैठे हैं उनके लिए भी, सबके लिए एक पानी बताता हूँ मैं, आप उस पानी को नोट कर लीजिएगा, मैं आपको क्वांटिटी बता दूंगा सब। सबसे पहले एक पर्चे पे लिख लीजिए अजवान, ठीक भाई, 1 चम्मच लेनी है आपको अजवान, 1 चम्मच लेनी है आपको सौंठ पिसी हुई, ठीक, और इतनी लेनी है आपको अदरक, इतनी अदरक लेने के उसे कूट लेनी है। कूटने के बाद क्या करना है, 1 लीटर पानी लेना है आपको, 1 लीटर पानी के अंदर 1 चम्मच अजवाइन डालनी है, 1 चम्मच सौंठ डालनी है और ये अदरक डाल देनी है जो मैंने बताई है, इतनी अदरक लेनी है, ठीक भाई। अदरक वही होती है जो चाय में डाल के पीते हैं। इसे पानी में गिर देना है और पानी को गर्म करना है, पानी को इस कदर गर्म करना है, आग ज्यादा तेज भी ना जले उसके नीचे, कभी ज्यादा तेज जला कर उसे जल्दी से उबाल दो, नॉर्मली आग से पकाना है पानी को, और इतना पकाना है कि 1 लीटर से पानी पकते पकते आधा लीटर रह जाए वो, ठीक। जब आधा लीटर रह जाए इस पानी को उतार लें, उसे छान लें, छानने के बाद आप क्या करेंगे, उसी के अंदर एक लीटर आधा लीटर पानी ले सकते हैं, 1 भी ले लो आधा भी ले लो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक। आपकी कबूतर के हिसाब से कितने ले सकते हैं आप, 1 लीटर भी, 1 से ज्यादा ना हो, आधे से कम ना हो, उसके अंदर वो जो आधा लीटर हमने पानी बनाया है वो आधा लीटर पानी उसके अंदर डाल देंगे आप। डालने के बाद आप क्या करेंगे, सभी कबूतरों को पीने देंगे उस पानी को, हफ्ते में 2-3 दिन आपको ये पानी पिलाना है, ठीक है। तो इंशाल्लाह कितनी सर्दी पड़े कबूतर ठंड नहीं मानेंगे इंशाल्लाह, अल्लाह ताला चाहिए। बाकी अपने दाने का भी ध्यान रखना है, दाने के बारे में जो है मैं अगली जो नेक्स्ट वीडियो आएगी मैं उसमें इंशाल्लाह दाने के बारे में बताऊंगा कि इन दिनों में दाना क्या देना है, ठीक है भाई। ब्रीडर का दाना अलग होगा, उड़ने वालों का अलग होगा, वो सब मैं डिटेल में नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा। अगर कोई भाई पूछना चाहता है तो वीडियो के नीचे कमेंट करके बता सकता है। तो भाइयों, जैसे कि मैंने आपको बताया है ना, पानी जो बताया है ये बहुत कारगर चीज है, किसी की बातों में नहीं आना, किसी से कोई चीज नहीं करना। पिछले 5 सालों से मैं इसी चीज को यूज कर रहा हूँ, ठीक। माशाल्लाह मेरे कबूतर फिट फोर रहते हैं अभी, हालांकि बंद है कबूतर, आप कहोगे तो मैं खोल के भी दिखा देता हूँ, या चलो छोड़ो अभी मुझे खोलने नहीं है क्योंकि दूसरे कबूतर खोले हुए हैं मैंने बच्चे, ठीक है भाई। तो इस चीज को करिए, इंशाल्लाह आपके कबूतर बहुत अच्छे रहेंगे, ठीक है भाई। और साथ साथ एक चीज का और ध्यान रखना है, कबूतर को अपने को ढक के रखना है, शाम के टाइम ढक दीजिए, 5 बजे से पहले पहले
कबूतर को चुगाने की कोशिश करें, 5-5:30 बजे तक चुगा के कबूतर बंद कर दिया करो, ठीक। और सुबह में कबूतर जब खोलो, ये देख लें धूप जब अच्छे से निकले कबूतर तभी खोलो, यानी कि एक टाइम बना लीजिए आप। 9 बजे का टाइम फिक्स है मेरे हिसाब से, कबूतर के हिसाब से बढ़िया टाइम है 9 बजे का इस टाइम, क्योंकि 9 बजे अच्छा मौसम हो जाता है। 9 बजे कबूतर को खोलें अपने को, धूप लगाएं कबूतर को, और शाम को भी जल्दी छुआ के बंद कर रहे हैं। और ये ध्यान रखना है जब कबूतर को ढकें, डायरेक्ट हवा कबूतर पे नहीं लगनी चाहिए, यानी कि ऐसा भी ना ढके कि अंदर गैस बन जाए, कबूतरों को नुकसान हो जाए। गैस भी नहीं बननी चाहिए, हल्की माड़ी सी कोई दिक्कत नहीं है। जाली वाली आपने देखो, आप बोरी आती है टाट की, बोरी से ढक दीजिए, या कोई कंबल वगैरह हो आपके पास, या कोई दरी हो वो ढक दीजिए, ठीक। दिन में अभी देखिए, जैसे मैंने गेट है मैंने अभी हटा दिया है, शाम के टाइम में ढकता हूँ अपने कबूतरों को, ठीक। बस मेन गेट पे ढक देता हूँ मैं, बाकी ये मैंने परमानेंट बंद की हुई है, जितनी विंडो है ये देखिए सब विंडो में परमानेंट बंद है। इनमें थोड़ी थोड़ी जगह दी है मैंने ये वेंटिलेशन के लिए, ताकि कबूतर को ऑक्सीजन में दिक्कत ना हो और गैस ना बने। ऐसी ही हर विंडो में मैंने थोड़ी थोड़ी जगह दी है, तो ऐसा कुछ नहीं है कि कबूतर ठंडवाने का यहाँ हवा आएगी, कबूतर खुद बहुत गर्म होता, बस उसे हवा डायरेक्ट नहीं लगनी चाहिए। ज़्यादा ठंडा मौसम में कबूतर को ना खोलें, ठीक, और अपने कबूतर साफ सफाई रखें। बस यही मैं कहना चाहूँगा भाइयों, वीडियो ख़त्म करने से पहले मैं आपको एक बार आइटम दिखा देता हूँ, बहुत से भाई नाम से ना जानते हों तो देख के पहचान लेंगे, ठीक है भाइयों, मैं आपको दिखा देता हूँ। ऐसे लेके आ जानी है, ज़्यादा नहीं, अजवाइन 50 रुपए की ले आओ, पूरे जाड़ों के लिए बहुत हो जाएगी, ठीक। सौंठ 50-60 रुपए की, ये भी इंशाल्लाह पूरे जाड़े भी नहीं तो आधे जाड़े के लिए सौंठ हो जाएगी। ये देखिए दोस्तों, ये अजवाइन, ठीक है, दाने दाने से होते हैं, अजवाइन इसी को बोलते हैं, ठीक है ना भाई। एक चम्मच ये डालनी है 1 लीटर पानी में, और भाई ये होती है भाई सौंठ पिसी हुई, ये देखिए पिसी हुई सौंठ ये होती है। किसी भी किराने की दुकान पर जाके बोल देना कि भाई पिसी हुई सौंठ दे दो और अजवाइन दे दो, कोई भी दे देगा। बट ये है, मैंने आपको दिखाई इसलिए है, हो सके आप के यहाँ किसी और नाम से मिलती हो, इसलिए मैंने आपको दिखाई है, आप दिखा के भी ले लेना, मिल जाएगी, ठीक भाई। तो आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, वीडियो अच्छी लगी हो तो भाई कमेंट करके जरूर बताएं, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अल्लाह हाफिज़।